लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं, कोई बड़े बड़े वादे कर रहा है। इसी में बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से इंडी गठबंधन सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। वहीं यूपी के प्रयागराज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा है, साथ ही बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी बड़ा बयान दिया है। और यूपी हो चाहे कई जगह हो, जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आता है, मौजूदा समय में आरक्षण एक बड़ा विषय बना हुआ है, तो आरक्षण और CAA पर भी ओवैसी ने खुलकर बात रखी। और जिस तरह से सीधे उन पर आरोप लगते हैं कि वो कहीं भी चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलता है, इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर बयान दिया है। आप भी सुने असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम PDM बनाए हैं, PDM का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं, और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 400 पार अब कहाँ कह रहे हैं? कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा यह है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहां पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं कि किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो छुट्टा जानवर है उसको मैं देख लूंगा, तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को। अभी क्या हो रहा है देखिए, बेरोजगारी सुनिए, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, POK की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया? बड़ा बराबर लीजिए POK को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है, मगर चुनाव में आपको POK आ जाता है। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट हुए, झूठ साबित हुए। हाँ, पहले तो ये पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है, उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है। OBC को जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको आप 10% दे रहे हैं, और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको आप 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। अमित शाह जी ने यह कहा है कि चार महीने में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपने देखा होगा कि पिछले 4 इंसिडेंट हो चुके हैं, बिना भाषण दिए जाना पड़ा है राहुल गांधी और अखिलेश को। क्या हुआ है? अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? सभा को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप? कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा बस। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी एक एक करके सारे सवालों के जवाब दिए। जिस तरह से आरक्षण मौजूदा समय में बड़ा मुद्दा बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, मुस्लिम के आरक्षण को लेकर लगातार कई मंच से सवाल खड़े किए हैं। वहीं यूपी में जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष की पार्टी अखिलेश यादव हो राहुल गांधी हो, इन लोगों की तरफ से आरोप लगते हैं कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो जो विपक्ष को वोट जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे चुनाव लड़ के मुस्लिम वोट को बर्बाद कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर अपनी बात खुलकर रखी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।